वहाँ ब्रिज है, क्रॉस करने का ढक्कन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुभव और ये मेरा एक और नया वीडियो है सिक्किम व्लॉग का। तो सिक्किम का ये थर्ड एपिसोड है। पहले दो एपिसोड के लिए आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, ये पहला ऑप्शन है, उसमें आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा आप चाहो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हो और जाकर प्लेलिस्ट सिक्किम का खोल सकते हो और उसमें देख सकते हो। वो दो वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो जिस वीडियो को हमने शुरू किया उसके बारे में बात करें तो इस वक्त हम जा रहे हैं बाबा मंदिर। बाबा मंदिर की सारी स्टोरी आपको बताती हूँ, उससे पहले आप ये व्यू देख लो। और यहाँ पे ये जो खूबसूरत सा लेक आपको दिख रहा है, ये मैन मेड लेक है। ये लेक था नहीं, यहाँ पर बनाया गया है इसे। पर इसके बारे में जितना मुझे पता चला है कि ये 13,000 फीट पे था, काफ़ी हाइट पे था, ऐसा मुझे भैया ने बताया था जो ड्राइवर हमारे साथ थे जो हमें लेकर जा रहे थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही होंगी ग्रीन और ब्लू कलर की, वो एक एडवेंचर पार्क है। पर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम रुके यहाँ पर और इस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। आज थोड़ा वेदर ख़राब था और हमें आज एक दो चीज़ें कवर करनी थी आज ख़त्म होने से पहले दिन, तो हम निकल पड़े वहाँ के लिए जहाँ के लिए हमने मतलब सफ़र शुरू किया था अपना नाथुला से। वही तो बीच में टावर आया था, पर उस टाइम पे मैंने फोन चेक नहीं किया ना, वेलकम टू चाइना का मैसेज आया है एयरटेल का। हम चाइना होकर आ गए। आप सोच रहे होंगे ना मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम चाइना होकर आ गए, तो जस्ट अभी मैंने इससे पहले आपको कहा कि हम नाथुला गए थे। तो नाथुला इंडिया चाइना बॉर्डर पे, तो प्लीज़ आप नाथुला वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी वो। हाँ, तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं हरभजन बाबा के मंदिर। दो मंदिर है यहाँ पर ऐसा भैया ने हमें बताया, और पूरी स्टोरी अभी तुरंत आपको मैं मतलब सुनाती हूँ। खुद तो नहीं बताऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती पूरी स्टोरी। हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर भैया थे, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया था, सिक्किम के बारे में, रस्तों के बारे में, जगह के बारे में। तो उन्होंने ही हमें हरभजन बाबा के बारे में बताया कि वो मंदिर कैसे बना, वो कौन थे, तो वो सारी बातें आप उनसे ही डायरेक्ट सुन लो। और फिलहाल तो आप रास्ता इन्जॉय करो, इतना खूबसूरत था सब कुछ, हर तरफ ऐसा एकदम अलग सा कलर दिख रहा था क्लाउड्स के साथ। मैंने बहुत इन्जॉय किया था अपना, खासकर ये रास्ता बहुत इन्जॉय किया। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था ना, सफ़र ही इतना खूबसूरत था ना। तो हरभजन बोल के एक सिपाही, एक लोकल एक लड़का था जो कि जिला कोरसा में पैदा हुआ था। ये जगह का नाम है आपका पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर के बीच में पड़ता है। एकदम उसका आत्मा एकदम साफ था, बहुत बढ़िया आदमी था। उसने आर्मी में ज्वाइन किया, दो साल के बाद उसको ड्यूटी मिला ऊपर कुबुक गांव से ऊपर। हाँ। वहाँ पर मिला उसका बंकर, वहाँ पर है ड्यूटी। अच्छा। सिक्किम में उसका ड्यूटी पोस्टिंग हुआ दो साल के बाद। तो ड्यूटी कर रहा था, एक दिन अचानक खच्चर पे नाथुला का ठीक नीचे आके उसका फिसल के देंत हो गया, बर्फ पे फिसल, ना तो उसको किसी ने गोली मारा है, ना तो किसी ने उसको मारा है, नहीं है, उसका फिसल के देंत हो गया। उसके बाद उसका जो टीम ने ना 6 दिन तक वेट किया, जब 7वां दिन आया सुबह, आर्मी का जो काउंटिंग होता है ना कैप्टन का, तो रेडियो पे बोला मैं ऐसे ऐसा बटालियन का कैप्टन बोल रहा हूँ, मेरा एक टीम से एक हरभजन बोल के भाग गया, भगोड़ी दोषी कर दिया उसको। क्यों किया? क्योंकि उस टाइम आदमी लोग का बहुत कम था, आदमी को पकड़ पकड़ के पुलिस आर्मी में भर्ती करता था। अभी तो आदमी को वैल्यू नहीं है ना, काम नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, बहुत मारामारी, उस टाइम तो पकड़ पकड़ के डालता था। सुबह रेडियो पे बोला मेरा ऐसा ऐसा टीम का हरभजन भाग गया, भगोड़ी दोषी किया। रात को सपने में दोस्त का पेट पाट रहा था, सपने में आके बोला मैं भागा नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस पहाड़ की चोटी के नीचे देखो मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है। सुबह उठा था, अरे मेरा को हरभजन आया सपने में, ढूंढने के लिए गया, नहीं मिला डेड बॉडी। फिर सेकंड ईयर रात को सपने में तुम लोग गए ढूंढने के लिए उस पहाड़ के, ऐसे करते करते तीसरा दिन में मिल गया डेड बॉडी। ये तो चमत्कार हो गया। 3 दिन बाद वो लोग, तीन दिन कंटिन्यू ढूंढा। अच्छा। 2 दिन कंटिन्यू, तीसरा दिन है ना। हाँ। वो लोकेशन पूछने का तो पूरा टाइम लगता है ना। हाँ। तीसरे दिन डेड बॉडी मिला। अब
बर्फ में तो मांस नहीं गलता है, फ्रेश रहेगा। हो जाए हो गया था, 10-12 दिन हो गया था डेड बॉडी, तो उसको लेके अच्छा से अंतिम संस्कार कर दिया। फिर रात में आया, तुम लोग मेरा बूटा मतलब कंटिन्यू नहीं आया, थोड़ा बाद में उसका उसको बहुत अच्छा से अंतिम संस्कार कर दिया। थोड़ा बाद में फिर सपने में आया, तुम लोग ये करो वो करो, इवन नथुला पे सोने को चाटा मारता है, नहीं दिखता आदमी, इवन वो बोलता कि मेरा पेट क्यों साफ नहीं कर दिया, मेरा पूट साफ करो। तो एक वो सिपाही था नॉर्मल, तो उसका अगर आर्मी में आपको रिटायर लेना है तो 15-20 साल में रिटायर ले सकता है, अगर आपको ड्यूटी कंटिन्यू करना है तो आपको रैंक बढ़ता है। तो वो वाला वो हरभजन वो कैप्टन तक हुआ, कैप्टन तक हुआ, ठीक है। उसके बाद इतना चमत्कार बढ़ गया, सबसे पहले उसका ड्यूटी कहाँ था, बंकर, वहाँ पर पहले मंदिर बना दिया। वो जुलूक का ठीक ऊपर पड़ता है, सिल्क रूट का ठीक ऊपर पड़ता है वो बाबा मंदिर, ठीक है, वहाँ पर मंदिर बनाया। उसके बाद उसने बहुत चमत्कार किया, इवन नथुला अभी भी मंडे टू डे नथुला बंद होता है, वहाँ पर आपका एक रेड कलर घर है, आज आप देखेंगे वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है चाइना और इंडिया का। मंडे टू डे नथुला परमिट किसी को नहीं देता है, 5 सोल्जर चाइना का आता है इंडिया के पास, अच्छा इंडिया का 4 बैठता है वो कुर्सी पे, वो कुर्सी बैठता है, ठीक है। तो एक कुर्सी अभी भी खाली है हरभजन बाबा का, चाइना लोग को पता है ये कुर्सी खाली हरभजन का है अभी भी, इसलिए बंद है मंडे ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे इसलिए बंद है। नथुला फ्लैग मीटिंग भी होता है, इंडिया और चाइना का फ्लैग मीटिंग होता है, ठीक है। और दूसरा बात, जहाँ पर उसका ड्यूटी था पहले वहाँ पर उसका बंकर है, जो आर्मी लोग का बंकर था, हम लोग दूर दूर से देखता है ना, लेकिन एक्चुअली में अंदर कैसा है वो आपको, अगर आप लोग वो आगे जाना चाहते हो जा सकता है, अच्छा। वो देखने के लिए बंकर देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद चमत्कार बढ़ते बढ़ते गए, अभी आप लोग जितना भी टूरिस्ट देख रहे हैं ना, सिर्फ जहाँ पर बाबा का डेड बॉडी मिला था ना वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, आप भी वहीं जा रहे हैं बाबा का डेड बॉडी देखने के लिए। बाबा का डेड बॉडी कहाँ पर मिला था, तो नथुला में मिला था डेड बॉडी, नहीं नीचे मिला था, नथुला ऊपर है, नथुला देखिए, हम लोग जब बाबा मंदिर देखने जाएगा ना वहाँ पर मिला था बाबा का डेड बॉडी। अच्छा, जहाँ मिला था वहीं पे मंदिर, हाँ वहाँ पर मंदिर बना है, लेकिन उससे भी और ओरिजिनल मंदिर और आगे है। दो मंदिर है, एक डेड बॉडी मिला हुआ, एक जहाँ पर उसका ड्यूटी था, बंकर, बंकर जैसे हम लोग आर्मी का बंकर दिखता है ना, कभी हम लोग बंकर के अंदर तो नहीं गया ना कि बंकर कैसा दिखता है, लेकिन आप लोग अगर नथुला में फिट हो गया, आप जुलूक नहीं जाएंगे तो आर्मी का वो वाला बाबा का ओल्ड बाबा मंदिर कवर कर सकते हैं। वो करते वक्त बीच में एक एलिफेंट लेकर आएगा, डोकलाम भी दिखेगा, इंडिया चाइना का लास्ट टाइम लड़ाई होने वाला पार्ट, जो न्यूज पे पूरा हाईलाइट था ना, सिक्किम से लड़ाई होने वाला था इंडिया चाइना का डोकलाम, वो भी दिखेगा, भूटान बॉर्डर। आप देख सकते हो हम इतनी जल्दी से मतलब भैया की बात ख़त्म हुई और हम बस पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी, मुझे बहुत पसंद आया था, यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड सा एक लोकेशन हमें मिला था। और साइड में ये जो बोर्ड आपको दिखा है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मैप बना हुआ था यहाँ पर। अभी हरभजन बाबा के मंदिर पर आया जहाँ पर उनका डेड बॉडी मिला था और पूरी स्टोरी भैया ने हमको बताई है। तो अभी हम मंदिर बाद में देखेंगे, पहले अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे वहाँ पे वाटरफॉल भी है और शिव जी का स्टैचू भी है बहुत सुंदर सा पहाड़ों पे। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग जाना, 10 मिनट का आना, और अभी वेदर अच्छा नहीं है तो हम लोग को जल्दी वापस जाना है, इससे जल्दी जल्दी हम वहाँ पर होकर आते हैं फिर मंदिर जाएंगे। वहाँ से ठीक है, बारिश नहीं हो रहा है ना, बारिश नहीं हो रहा, वो तो कभी मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अलग जगह थी ये, मेरे साइड में कुछ अधूरा सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, फिर आपको ऐसा पानियों का शोर आ रहा होगा, और कहते हैं ना कहने के लिए वो शोर होता है पर वो इतना पीसफुल होता है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना सुन के। धीरे धीरे साउंड बहुत नज़दीक आ रहा होगा ना, कुणाल का फोटोशूट वीडियो शूट। भैया ने हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया है बाबा वापस आने के लिए। बहुत खूबसूरत है, वेदर की वजह से हर एक चीज़ इतना सही लग रहा है ना, बारिश हो गया, सारा कलर एक्स्ट्रा ब्राइट ब्राइट सा दिख रहा है, ये नहीं कि कैमरे में DSLR में मैंने कोई सेटिंग की हुई है, नहीं, कलर सब कुछ इतना ब्राइट दिख रहा है।
और ऊपर से क्लाउड्स ऐसे मूव होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे वो आपको झरना दिख रहा होगा, अभी हम पास से देखेंगे। बहुत सही लग रहा है यहाँ पे सारा कुछ। ये वैसी जगह जहाँ पे आप टाइम लेकर आओ, कुछ घंटे रुको, पर नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ वेदर ख़राब है और हमारे को लेट हो चुका है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। कुणाल मैक्सिमम ट्राई कर रहा है अच्छे से अच्छे वीडियोस लेने के, फोटोज़ लेने के, सारा टैलेंट आज ही दिखा रहा है तुमको इसी वेदर में। चले ऊपर, मेरा कैमरा भी बंद होने वाला है, बैटरी लो है बहुत। बेस्ट जगह ही आने के लिए यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं था ऊपर जाम गए थे, ये बहुत सही है। आपको आवाज़ आ रही होगी कितना ज़्यादा साउंड है पानी का। क्रॉस करना है ना इसको? नहीं नहीं वहाँ पे ब्रिज है। ओए ओए कुणाल, वहाँ ब्रिज है क्रॉस करने का ढक्कन। ये कूद कर ऐसे जा रहे जैसे हमको ये पानी क्रॉस करना, जबकि रास्ता वहाँ बना हुआ है जाने का। माउंटेन्स दिख नहीं रहे, इतना ज़्यादा क्लाउड नीचे आ गया। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट, आधे एक मिनट पहले ये नहीं था इतना ज़्यादा। अब तो स्टैचू भी नहीं दिखा जो उस वक्त मैं आपको दिखा रही थी। ये ब्रिज है छोटू सा, जहाँ मैं खड़ी हूँ, बोरा जाकर के बीच में खड़ा हो गया है। कितना खूबसूरत है, मैं हमें उस रास्ते से मारे थे और उधर चले गए थे। अच्छा तुमने सीटी मारा, मुझे लगा कोई पुलिस वाला है। यहाँ पे एक पॉइंट पे हमें एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत चिल्लाना पड़ा था, हम इशारे में बात कर रहे थे। साउंड नहीं आ रहा होगा, कैमरे में माइक नहीं है तो साउंड नहीं आ रहा होगा अच्छे से। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा। कुणाल की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत टाइम लग रहा था और मैं यहाँ से चिल्ला रही थी और वो सुन भी नहीं रहा था, वो इतना मतलब खोया हुआ था अपने वीडियोस लेने में। फाइनली मुझे थोड़ी देर के बाद कुछ लोग दिखे आते हुए, क्योंकि अभी तक तो मतलब एक दो लोग ही थे यहाँ पर, अब और ऐसे लोग आना शुरू हो गए, तो मैंने चिल्ला कर उसको इशारा किया कि आ जाओ बहुत लेट हो रही है, अब हमें निकलना भी है यहाँ से। Each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same
as they were a year ago. But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. और हर कोई जहाँ पर हम रुके थे ना, ये वाटरफॉल के ये नीचे वाली साइड पे मैक्सिमम लोग हमें जब आए हमारे बाद, वो भी वहीं पर रुककर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो आप कभी भी बाबा मंदिर आते हो ना, हरभजन बाबा की समाधि वाली जगह पर, तो आप यहाँ ज़रूर आना। ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, मतलब एक काफ़ी अलग सा हिस्सा है यहाँ पे, ठीक उसके सामने है, पर ये इतना अच्छा है ना, और काफ़ी कम लोग आते हैं इधर, तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ आकर। एक तो वेदर इतना ठंडा था, ऊपर से मतलब इतना शोर था पानी का वहाँ पर, हम आसपास भी खड़े होकर ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। अभी जस्ट क्लियर नहीं था, उस देर तो मैं समझ नहीं आता कि मैं ऊपर तक जाना कैसे, क्योंकि कहीं पे कोई रास्ता ऐसा दिख नहीं रहा था। पर एक पॉइंट के बाद जब इन दो लोगों को हमने उस तरफ बढ़ते हुए देखा ना, तब थोड़ा एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है, मतलब इन पत्थरों वाले मतलब रास्ते से हमें चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है। फिर हम भी उनके जैसा आगे बढ़ना शुरू किए क्योंकि ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, और मतलब आइडिया नहीं था ना बिल्कुल भी, किसी ने बताया नहीं था कि आपको कैसे ऊपर की तरफ जाना है। तो बस उनको फॉलो किया, देखा कि अच्छा वो इस डायरेक्शन से गए थे करके, और फिर हम भी बस बढ़ गए उस रास्ते में। और थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद दिखना शुरू हो गया था, मतलब हमें फ्लैग्स वगैरह छोटे छोटे दिखने लग गए थे, समझ में आ रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, हम गलत रास्ते पर नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर यही है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, मैं कंटिन्यू पूछ रही थी कुणाल से कि क्या यही रास्ता है, पक्का इधर से ही जाना है ना, क्योंकि जैसे बड़े बड़े पत्थर थे और ये वाला पार्ट मुझे लग नहीं रहा था कि हर कोई इस तरीके से ऊपर जाता होगा। बस ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला पार्ट जो लेकर आपको ऊपर तक पहुंचना है, लेकिन ऊपर जाना बहुत सही है, आपको जाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं आपको बता सकती, आप वीडियो से नहीं समझ पाओगे आप जब तक वहाँ खुद जाकर एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ये वो गहराई से हम मतलब चढ़ के फाइनली यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ पर भी जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। मेरा मन था वहाँ थोड़ा आगे जाने का वाटरफॉल के पास, पर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कि आप नहीं जा सकते हो, तो बस हम यहीं तक जाकर रुके। वाटरफॉल काफ़ी अच्छा था, मतलब यहीं से निकल कर के नीचे की तरफ जा रहा था ना, तो ये पार्ट काफ़ी अच्छा था। और ये एकदम आप पास आ गए, उससे ज़्यादा आप नज़दीक नहीं जा सकते, वहाँ पे ऐसे वायर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो, पर काफ़ी है, ये भी बहुत नज़दीक था उसके, तो पहुँच गए हम। हमें जहाँ जिस जगह के लिए हम निकले थे वहाँ से देख करके फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर पहुँचना, ये फील करना इतने हाइट पर आने के बाद, ये तेज़ हवाएं चल रही थी, ऐसे बादल चारों तरफ दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा था। हमसे पहले कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पर, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ तक पहुँचना, हाथ ये खुल नहीं रहा और ऐसा ऐसा हो गया हाथ, पता नहीं कैसा कैसा। यहाँ तक पहुँचना वर्थ है, जो हमारे नीचे का वो व्यू है ना, वो पार्ट बहुत अच्छा है,
और ये अब तो अचानक से बादल लग गया पूरा बादल। हाँ मतलब तुरंत ये मतलब कुछ सेकंड में चेंज हो रहा है, 15-20 सेकंड के अंदर पूरा व्यू चेंज हो जा रहा है। अचानक से ये क्लाउड्स आ जा रहे हैं, पूरा क्लाउड चला जा रहा है, फिर एकदम क्लियर हो जा रहा है। पीछे के जो माउंटेन्स है अभी तो क्लियर नहीं है, पूरा क्लियर हो जाता है, फिर पूरा कवर हो जा रहा है। मुझे ढंग से बात करने में भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर इतनी ठंड है। अभी देखो वो पार्किंग का एरिया और वो जो बाबा का मंदिर है वो क्लियर हो गया, और कुछ सेकंड अगर मैं ऐसे कैमरा होल्ड करूँगी क्लाउड्स आ जाएंगे और वो कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। पता नहीं मेरा कितना साउंड रिकॉर्ड हो रहा होगा, पर ये बहुत अच्छी जगह है आने के लिए। हम जो ऊपर गए थे उससे तो मच मोर बेटर प्लेस है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ चाइना बॉर्डर है और यहाँ पर इतना खूबसूरत है सब कुछ। बहुत सारी वीडियो अच्छा। हाँ अभी देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, जस्ट मैं कह रही थी कुछ सेकंड हुआ और यहाँ पे क्लियर हो गया। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कंपेयर वीडियो किया था, ये कुछ देर पहले मैंने लिया था और कुछ बस एक आधे मिनट बाद ये बगल का जो वीडियो आप देख रहे हो वो लिया था, और कितना डिफरेंस है दोनों में। एक में बिल्कुल ऐसा क्लियर दिख रहा था सामने पार्किंग एरिया और वो बाबा मंदिर, और इस वाले में बिल्कुल नहीं। तो कुछ वक्त रुकने के बाद हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर वही ना मतलब टाइम नहीं था, हमारे पास काफ़ी कुछ कवर करना था इस थोड़ी सी टाइम में हमको, तो फिर भी हमने बहुत टाइम दिया। तो हम वहाँ से नीचे आ गए और अब काफ़ी सारे लोग आ चुके थे अभी तक, तो जब हम नीचे उतर रहे थे तब तक, और काफ़ी लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ से हम आए हैं। मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था पर जाना पड़ रहा है क्योंकि भैया वेट कर रहे हैं। जो ड्राइवर उन्होंने हमें कितना 20 मिनट्स का टाइम दिया था, और कितना टाइम हमने लगाया, हम लोग 1 घंटा 1.25 घंटा से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं एटलीस्ट। बहुत अच्छा जगह। तो जिस मंदिर को देखने हम यहाँ आए थे हरभजन बाबा की समाधि पे, तो वो अब जाकर के हम वहाँ पहुँचे। हमारा काफ़ी वक्त उस तरफ चला गया था, काफ़ी छोटा सा एरिया था, इस तरफ मंदिर था और उसके सामने जो आपने देखा वो थोड़ा बहुत म्यूज़ियम कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर। ये हरभजन बाबा का समाधि है यहाँ पे, आप देख सकते हो ठीक मतलब वही मंदिर जो है उसमें आप इंटर करते के साथ सामने देखोगे। और ये बोर्ड है, आप चाहो तो यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी यहाँ पर। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर लिया था कि बाद में आराम से पढ़ूंगी। ये उनका ऑफिस रूम बनाया गया था वही मतलब बगल में बिल्कुल मंदिर, और उसी एरिया में उसके ठीक बगल का कमरा इस तरीके से उनका ऑफिस बनाया गया था, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखा रही थी उनका मतलब वो चेहरा आप देख रहे होगे उनका यूनिफॉर्म में जो है उस एज का वो। उसके अलावा यहाँ पे राइफल वगैरह ऊपर रखा हुआ है। तो ये प्रसाद मिला था हमें वहाँ पे किशमिश, तो ये लेने के बाद हम बस निकल गए, ज़्यादा वक्त नहीं रुके वहाँ पे, बाकी और भी कुछ देखने का टाइम नहीं था। तो ये लेने के बाद हम निकल गए अपने अगले मंजिल की तरफ, क्योंकि आज हमें कुछ और भी कवर करना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आगे और कौन से वीडियोज़ आने वाले हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को उनको बहुत सारा थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।